और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ ही गया जिसका हम लोगों को इतने अरसे से इंतजार था। और मैंने जो पैकिंग है ना वो अपने लिए आखिरी दिन के लिए संभाल के रखी होती है, मतलब पहले तो मैंने हाथ ही नहीं लगाना सामान को। और मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि कुछ रह ना जाए, तो मैंने वो सारी जरूरी सामान रख लिया जितना मुझे लोगों ने बताया था कि ये लेके जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास बर्तन होने चाहिए, इसके अलावा चाय का सारा सामान, चीनी पत्ती एवरीडे, केटल, बर्तन धोने का सारा सामान और बहुत सारे केक रस और बिस्किट्स और स्नैक्स। हाँ, कपड़े धोने के लिए सर्फ वगैरह भी रख लेना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इतने ज्यादा काम हुए होते हैं, मेहमान आए होते हैं, इतनी ज्यादा हमें टेंशन हो रही होती है कि कोई सामान रह ना जाए। और इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने खाना चाय वगैरह सब कुछ घर से करके जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन का खाना बिल्कुल खाने के लायक होता ही नहीं है। हमारी देसी फैमिलीज का एक कल्चर तो है ना कि अगर दो बंदे भी जा रहे होंगे तो हमारी कम से कम तीन गाड़ियां तो छोड़ने जाएंगी। लेकिन सच में मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, मुझे ऐसे लगता है कि यार यही तो हमारे कल्चर के पर्क्स हैं जो हम बाहर जाके मिस करते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले बेशक जाने ना दें, हम भी एक गाड़ी में एक एक हाजिर बिठाएंगे। और ये वाहिद एयरपोर्ट पर वो मोमेंट होता है जिस टाइम हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है, मतलब आगे पीछे कहीं जाते हुए ना एयरपोर्ट पे सब बहुत ज्यादा इमोशनल हुए होते हैं, लेकिन फाइनली इस टाइम जो है ना ज्यादा खुशी हो रही होती है और एक्साइटमेंट का लेवल ही नेक्स्ट होता है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे सफर करवाए, आमीन आमीन। खैर एनीवेज, एज यूजुअल एयरपोर्ट पे आपको 3-4 घंटे पहले आना होता है क्योंकि अंदर कोई भरोसा नहीं होता है, इन्होंने चेक इन में इतना टाइम लगा देना होता है। और ये मुस्तफा के साथ मेरा पहला प्लेन ट्रैवल था, तो मुझे बस ये था कि या अल्लाह बस ये मुझे तंग ना करे। एंड सम मैंडेटरी एयरपोर्ट पिक्चर्स, कितने जो बार बार मना कर रहे थे कि हमारा इसको ना पहनाओ इसको ना पहनाओ, लेकिन उसको तो भाई सबको खेलने के लिए एक खिलौना मिल गया। ये फूल भी मैंडेटरी है, बेशक वो हमें एयरपोर्ट के अंदर लेके जाने भी ना देना, लेकिन एक दफा पहनने तो जरूरी है ना। मुस्तफा की प्रैम हम लोग यहीं से लेके जा रहे थे, मान के साथ ही बुक हो जाती है तो वो बहुत ईजी रह जाता है। और मुझे तो ऐसे लगा था कि शायद इन फ्रेंड्स फ्री हो, लेकिन नहीं भाई इनकी भी टिकट है। भाई साहब की हमने स्पेशल बेल्ट ली ताकि चलने में आसानी हो, लेकिन मजाल है जो ये 5वें मिनट से 6ठा मिनट भी उसमें गुजार दे और इसको हमें निकालना पड़ता है बीच में से। मैं बताती हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि यार मैंने दुआ क्या मांगनी, क्योंकि मुझे सबने बताया था कि पहली नजर में काबा को देख के जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। और मैं मतलब सबसे यही कह रही थी कि यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं मांगू क्या। और सबने मुझे ये भी बताया हुआ था कि आप जितना मर्जी जो कुछ मर्जी सोचते रहो ना, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको समझ में नहीं आती है कि आपने क्या मांगना है, और जो आपके मुंह से निकलता है वो ऑटोमेटिकली वैसा आपके। मेरा तो सच में दिल कर रहा था कि मैं बकायदा एक स्क्रिप्ट बना के जाऊँ ना, पूरी सारी लिस्ट बना के जाऊँ की अल्लाह ये दे दे। खैर से मुल्तान से कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं, तो वी हैड अ कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम दुबई। दुबई पे अच्छे से खाना खा लेना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आगे बहुत लंबा सफर होता है, क्योंकि दुबई से जद्दा फिर जद्दा से मक्का। और मैंने ये दुबई के मैक्रेबिया की इतनी तारीफ सुनी हुई थी, तो मैंने कहा यार मुझे भी ट्राई करना है, और वो अच्छा था नो डाउट। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पहुंचे जद्दा एयरपोर्ट। यहाँ पे ये लोग बेशक अरबी बोल रहे हो ना, लेकिन मैंने एक बात नोट की, आप इजिली इनकी बात समझ भी आ रही होती है और आप इनको अपनी बात समझा भी लेते। हमें ये रिकमेंड किया गया था कि आपने जो सिम वगैरह लेनी है वो आपने जद्दा एयरपोर्ट से ही ले लेनी है, क्योंकि मक्का में अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। हम लोग वहां से बाहर निकले तो आगे पूरी बसेस की लाइन लगी हुई थी, इस बस ने हमें पहुंचाने में ना मक्का 5 घंटे लगा दिए होंगे कम से कम। राम हम लोगों ने दुबई एयरपोर्ट पे ही पहन लिए थे, तो फाइनली दिस वाज द मोमेंट वी वर एंटरिंग। और मुझे मेरे अम्मा अब्बा की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने आंखें नीचे करके एंटर होना है, ऊपर बिल्कुल नहीं देखना, और आंखें सिर्फ तभी ऊपर करनी है जब आपको लगे कि काबा बिल्कुल आपके सामने। मेरी हिम्मत तो पिछले सहन से ही नहीं हो रही थी आंखें ऊपर करने की, एंड दिस वाज द मोमेंट वी वर ऑल वेटिंग फॉर। वहां जाकर जो बंदे की कैफियत होती है ना, वो आप लफ्जों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। एक जगह पढ़ा था कि कहने के तो वो एक इमारत है जो हमने तस्वीरों में पता नहीं कितनी दफा देखी हुई है। क्या ऐसी बात है कि जो वहां जाता है उसको उस जगह से प्यार हो जाता है, और जो होकर आते हैं वो वहीं के किस्से सुनाते रहते हैं। ये कहने को सिर्फ अल्लाह पाक का घर नहीं है, अल्लाह पाक ने इस जगह में अपनी इतनी मोहब्बत रखी हुई है कि आप जो मुराद लेके जाओगे वो पूरी होगी, आप जो दुआ मांगोगे वहां वो कबूल होगी। मताफ में आपको वाकई एहसास होता है अल्लाह पाक के जलाल का, आप काबे पे नजर डालो आपकी नजर नहीं हटती। और पहला उमरा हम लोगों ने मुस्तफा को गोद में उठा के किया, फिर तवाफ काबा के बाद जब सफा मरवा की बारी आई, उफ तौबा, एक तो रश, हम लोग 24 घंटे से सफर में थे तो ऑब्वियसली थकावट बहुत ज्यादा थी। बहरहाल अल्लाह पाक फिर भी हिम्मत देता है, और जिस जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, या अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल मंजूर फरमाना, और तमाम मुसलमानों को ये सआदत नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन।